आजाद भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सोमवार शाम असामयिक निधन हो गया। उनके निधन से देश को अपूर्णनीय क्षति हुई। प्रधानमंत्री से लेकर हर जनप्रतिनिधि और आमजन ने मिसाइल मैन के नाम से मशहूर वैज्ञानिक और लोकप्रिय राष्ट्रपति के निधन पर अपनी अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित की। While embarking on this mission, they can remove the ignorance, weakness, poverty, which is said to be the cause of all problem, as said by Acharya Sri. Also, the students can integrate science and spirituality in promoting social welfare, which was the dream of Acharya Sri. While talking about science and spirituality, I would like to share an experience which I had when I was working in the Indian Space Research Organization. Friends, always there's a question: can science and spirituality work together? Many things can work together, but it's very difficult, science and spirituality. This is what people say. But I have witnessed, how science and spirituality can work together and bring great achievements to the nation can bring. That can happen only in India. I witnessed that. Ultimately, education in its real sense is the pursuit of truth. Education, nothing but the pursuit of truth. It is an endless journey through knowledge and enlightenment. Such a journey opens up new visitas of development or humanism, where there is no scope nor room for pettiness, disharmony, jealousy and hatred or enmity. It transforms a human being into a wholesome whole, a noble soul and an asset to the universe. Universal brotherhood, in its true sense, becomes the sheet anchor for such education. Real education enhances the dignity of a human being and increases his self-respect. भारत के पूर्व राष्ट्रपति और विशेष करके युवाओं के प्रिय श्रीमान अब्दुल कलाम जी के निधन के समाचार पूरे देश के लिए और विश्व की वैज्ञानिक आलम के लिए एक बहुत ही दुखद समाचार है। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्य, उनका जीवन, उनकी हर बात देश के लिए आज भी दिशादर्शक है। एक वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। भारत को सशक्त बनाने में वैज्ञानिक शक्ति को जोड़ने का उनका जीवन भर का प्रयास भारत की बहुत बड़ी पूंजी है। वे राष्ट्रपति थे तब भी और बाद में भी यही कहते थे कि मैं तो एक टीचर हूं, मैं एक प्रोफेसर हूं, पढ़ाना ये मेरी पैशन है। और आज जीवन का अंतकाल भी विद्यार्थियों के बीच अपने प्रिय काम को करते करते ही उन्होंने वो अंतिम क्षण भी बिताई। सामान्य परिवार में जन्मे हुए, तमिलनाडु में दूर सुदूर रामेश्वर से जीवन की यात्रा प्रारंभ की और हिंदुस्तान के जन जन से लेकर के विश्व के अंदर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। मेरी कहानी मेरे साथ खत्म हो जाएगी, क्योंकि दुनियावी मानों में मेरे पास कोई पूंजी नहीं है।
मैंने कुछ हासिल नहीं किया, जमा नहीं किया, मेरे पास कुछ नहीं और कोई नहीं, न बेटा न बेटी न परिवार। मैं दूसरों के लिए मिसाल नहीं बनना चाहता, लेकिन शायद कुछ पढ़ने वालों को प्रेरणा मिले कि अंतिम सुख रूह और आत्मा की तस्कीन है, खुदा की रहमत उनकी वरासत है। मेरे परदादा अबुल, मेरे दादा पकीर और मेरे वालिद जैनुल आबदीन का खानदानी सिलसिला अब्दुल कलाम पर खत्म हो जाएगा, लेकिन खुदा की रहमत कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो अमर है, लाफानी है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से देश भर में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। इसके तहत सभी सरकारी और गैर सरकारी भवनों पर तिरंगा झंडा आधा झुका रहना चाहिए, लेकिन नगर निगम की लापरवाही की यहां झंडे को हमेशा की तरह पूरा फहरा दिया गया। इस बारे में जब नगर निगम के अधिकारियों को अवगत कराया तो निगम में हड़कंप मच गया। नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी ने तुरंत फायर ऑफिसर को फोन कर लताड़ लगाते हुए तिरंगा आधा झुकाने के आदेश दिए। निगम के प्रभारी अधिकारी गजेंद्र सिंह रलावता ने बताया कि उनको मीडिया कर्मियों के माध्यम से ही इसकी जानकारी मिली। जो भी कर्मचारी इसके लिए दोषी होगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने गलती को स्वीकार करते हुए तुरंत झंडा झुकाने के आदेश दिए। मैं इस संबंध में मैंने जो जानकारी प्राप्त की, जानकारी के अनुसार जो हमारे निगम के फायर ऑफिसर्स हैं उनको ये दायित्व है कि झंडारोहण जो प्रतिदिन सुबह और शाम का चढ़ाने का उतारने का उनका दायित्व है। उन्होंने जो कर्मचारी भेजे थे उनको उन्होंने डायरेक्शन तो दिए थे कि भाई आज शोक है और इसलिए आधा झंडा झुकाया जाए, लेकिन जैसा कि अभी भी देखा गया है तो झंडा पूरा नहीं झुका हुआ जो जैसा तरीके से जो शोक अवस्था में नियम अनुसार होना चाहिए। इस संबंध में जो भी इसकी जांच कराएंगे और जो भी कार्मिक अगर दोषी है तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के निधन से हर धर्म और संप्रदाय के लोग आहत हुए हैं। कलाम के इस असामायिक निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए प्रार्थना और श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की जा रही हैं। मंगलवार को अजमेर के सभी मिशनरी स्कूल में अवकाश घोषित किया गया। वहीं शाम को सैनेसलम स्थित इमैकुलेट कंसेप्शन कैथोलिक चर्च में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जहां मसीह समाज के सैकड़ों लोगों के साथ फादर्स और सिस्टर्स ने कलाम को प्रार्थना के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन रखा। फादर कॉस्मोस शेखावत ने बताया कि इस अवसर पर बिशप इग्नेशियस, फादर कॉस्मोस, फादर ऑबर्ट, फादर सुजाई सहित सभी मिशनरी स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स उपस्थित रहे। फादर थॉमस ने मधुर भजनों द्वारा श्रद्धांजलि दी। हम भी अजमेर के निवासी और विश्वासीगण, हमारा श्रद्धांजलि उनके परिवार के सब लोगों को, हमारे भारतवासी के लोगों को अर्पित करते हैं और उनके आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो सदा सर्वदा हमारे मन में, हमारे दिल में जीवित रहें। यही मैं कहना चाहूँगा, ताकि हम डॉक्टर अब्दुल को कलाम को हम लोगों ने खोया, मगर उनकी यादगार हमारे जीवन में हमेशा रहे। आज हम सभी चर्च के मेंबर्स यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। चर्च के अंदर हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, हम जानते हैं किस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। एक आदर्श पुरुष हम कह सकते हैं, जो कि हमारे देश के लिए एक सम्मानित व्यक्ति, सम्मानित पद पर उन्होंने राष्ट्रपति का के रूप में भी कार्य किया। और इस चर्च के अंदर जहां पर आज उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है, वहां पर भी वो आए थे। 10-15 मिनट उन्होंने चर्च के अंदर प्रार्थना की थी, उसके बाद ही उनको राष्ट्रपति का पद भी मिला था। वे नर्सिंग होम करके जो हमारा अस्पताल है वहां पर भी आए थे। आज हम सभी ने जो यहां के चर्च के मेंबर से मिलकर के उनकी आत्मा शांति के लिए प्रार्थना की, ईश्वर उनकी आत्मा को अन्य शांति प्रदान करें।
इसी तरह वार्ड नंबर 23 के क्षेत्रवासियों ने पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। हर जाति वर्ग के लोगों ने स्वर्गीय अब्दुल कलाम की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा और उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर डॉक्टर मोहन सिंह, भानु प्रताप सिंह, वीरेंद्र शर्मा, कपिल भाटिया, एसके मिश्रा, आरके शर्मा सहित क्षेत्रवासी मौजूद रहे। शाम 4 बजे हम उन्हें दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देंगे। इसको लेकर सभी वार्डवासी टेम्पो स्टैंड चंद्रोदय नगर इकट्ठे हुए और श्रीमान स्वर्गीय श्री डॉक्टर अब्दुल कलाम के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। हमारा सिर्फ यह कहना उस समय उचित नहीं था कि हमने एक व्यक्ति को खो दिया। वह व्यक्ति एक बड़ी छवि का व्यक्ति था जिसने देश के लिए सब कुछ त्यागा, जिसने देश के लिए बहुत कुछ किया और उसकी कमी ये देश कभी पूरी नहीं कर पाएगा, कोई व्यक्ति नहीं कर पाएगा। और इसीलिए आज सभी ने मिलकर उन्हें याद किया है, उन्हें नमन किया है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, ये प्रार्थना की है।